What's up guys, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज का एपिसोड 272 इतना खास नहीं था, एक शॉर्ट सा एपिसोड था और नॉर्मल सा था। भाई जो सच है वो सच है, आर जोड़ा को थोड़ी हूँ जो क्लिक बेट डाल के हर एपिसोड को बहुत बढ़िया बोलूं। क्योंकि अगला एपिसोड शायद फेयरवेल का होने वाला है एकेडमी का, और शायद इस आर्क का आखिरी एपिसोड। सो शायद अगले एपिसोड के बाद से नया आर्क स्टार्ट हो, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। सो हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था कि मिस स्काई को असैसिनेट कर दिया है आना सेंसे ने, और कवाकी और हिमावरी सिर्फ देखते ही रह गए। देखो इसे कौन कहेगा कि ये शिनोबी है। तो मजाक मस्ती बहुत हो गई, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हाना सेंसे मिस काई को मारने वाली होती है। मिस काई कहती है कि ऐसा मत करना, और कवाकी भी चिल्लाता है कि ऐसा मत करना हाना सेंसे, पर वो दूरी खड़े होते हैं, उसके पास जाते भी नहीं है। देन हाना सेंसे की बारी आती है और हाना सेंसे मिस काई को मार देती है। वो कहती है कि मेरा मिशन अब कम्प्लीट हुआ, अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, वैसे कर भी क्या पाओगी, तो मर चुकी है। देन हाना सेंसे मिस काई को एक साइड में लाकर उस ब्रिज को उड़ा देती है जहाँ पर वो खड़ी थी, ताकि कवाकी और बाकी सब उसके पीछे ना आ सके। और हाना सेंसे के भागने के बाद कवाकी को समझ में आता है कि हाना सेंसे पहले से ही हमें धोखा दे रही थी, ये सब उसका प्लान था मिस काई को मारने के लिए। एक्स्ट्रा पुलिस खाने के लिए उसके दोस्त भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, कि तुम ठीक हो, हमें कुछ अजीब सी आवाज आई बॉम्ब फूटने की, इसलिए हम आ गए। बाय द वे हैप्पी दिवाली गाइस, और थैंक यू फॉर 31 के सब्सक्राइबर्स। कवाकी सारे स्टूडेंट से कहता है कि हाना सेंसे ने मिस काई को मार दिया और उसे लेकर वो वहां से चली गई। उसके बाद सब कहते हैं कि क्या कह रहे हो। उसको देन के देख के मतलब ये सब हाना सेंसे की चाल थी, इसलिए उसने हमें इस आइलैंड पर लाया और फंसा दिया, जहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फंस गए। अभी एक तरफ ही अपना सिर पीट रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं पागल हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, बेचारी मिस के मर गई। कवाकी कहता कि ये सब पहले से बहुत केयरफुली प्लान था, इसीलिए पॉसिबल हो पाया, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता। बट ये बच्चों की भी हेल्प नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। हिमावरी कहती है कि तुमने सच में देखा कवाकी कि मिस के मर गई, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि उसने शायद उसे सिर्फ बेहोश किया था। अगर वो सच में मरती तो हमें उसका खून दिखाई देता और वो हमें रोना भी आता, क्योंकि देखा तुमने वो मर गई और कोई भी नहीं रोया अभी तक। तो कवाकी कहता है कि क्या तो उसने सिर्फ ऐसा नाटक किया कि वो मर गई है, ताकि हमें लगे कि वो सच में मर गई है। वो उसको कहते हैं कि हाँ कवाकी, उसने सिर्फ उसे मारा नहीं है, उसे बेहोश किया है, और उसे वो भी एज ए होस्टेज की तरह यूज करेगी। हिमावरी कहते कि बहुत हो गया फिर, अब मैं मेरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी और उसे ढूंढ के ही निकालूंगी, आस पास ही होंगे वो। बैक्यूगन का इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती, क्योंकि उसके बैक्यूगन छोटे होते हैं और फिर उसकी आंख दुखने लग जाती है। औकात के बाहर मत जाओ हिमावरी, स्टैमिना नहीं तुम्हें इतना। कवाकी दिन सोचता कि मुझे अकेले कोई जाना पड़ेगा बचाने के लिए, तो सारे बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं कि हमें भी लेके चलो, हमें भी बचाना है मिस काई को। दूसरी तरफ मिस काई को यहाँ पर बंदी बनाया जाता है और हाना सेंसे उसके सामने बैठी होती है। हाना कहती है कि जल्दी मैं मेरे एसोसिएट्स के साथ मिलूंगी और तुम्हें लेके ऐसे भाग जाऊंगी। तो मिस कहती है कि हाना सेंसे आप ये नहीं हो। हाना सेंसे कहती है कि सुन मैं पोटी, मैं हाना ही हूँ बट तुम्हारी वाली नहीं, तुम्हारे सामने जो है वो असली हाना है, और तुम जिसे जानती है वो नकली वाली थी, वो मेरे अंदर कैद है, अब वो बहुत डरपोक है, वो बाहर भी नहीं निकल पाएगी। अब तुम्हारा इस्तेमाल करके हम हमारे मिनिस्टर को छुड़ा देंगे और फिर पैसे भी मांगेंगे बहुत सारे, तुम हमारे बहुत काम आओगी, तुमसे हम बहुत सारे पैसे निकाल पाएंगे एज ए होस्टेज। मिस कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारा प्लान पूरा नहीं होने दूंगी, कवाकी और हिमावरी आते होंगे मुझे बचाने के। हाना कहती है कि मेरी शिप आने तक वो कुत्ते यहाँ पर पहुंच भी नहीं पाएगी, उनको रास्ता भी नहीं मालूम पड़ेगा। सारे बच्चे मिलकर एक रस्सी ढूंढ लेते हैं और वो लड़की कहती है कि मुझे मालूम था कि ये काम में आएगी, इसलिए मैंने मेरे पैंट में से छुपा के रखा था। ऐसा देखा था कि हाना सेंसे मिस के को लेकर जंगल की तरफ भागी थी, तो जंगल में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ये ब्रिज वाला जो कि टूट चुका है, इसलिए एक ही इस रस्सी को लेकर उस ब्रिज के दूसरे छोर तक बांध देता है और उस रस्सी से होकर सारे बच्चे जंगल में घुस जाते हैं। वहां पर जाने के बाद छानबीन स्टार्ट कर देते हैं और मिस हाना और मिस काई को ढूंढने लगते हैं। कवाकी कहता है कि हम इस आइलैंड पर शिप से आए थे और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए जाना भी शिप से ही पड़ेगा, इसलिए हाना सेंसे अगर मिस काई को लेके जाती भी है तो वो शिप से ही जाएगी, इसलिए हमें किनारे पर जाना होगा। हिमावरी कहती है कि यार हमने अगर हाना सेंसे को ढूंढ लिया तो हमारा प्लान क्या है, हम करेंगे क्या, और एक बार मुझे जाननी है कि हाना सेंसे ने ऐसा क्यों किया, उसने मिस काई को क्यों मारा। कवाकी कहता है कि नहीं पता, और बच्चे सुन ले, मुझे ऐसे सवाल मत पूछना, नहीं तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरा इलाज भी नहीं हो पाएगा। कवाकी कहता है कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, तो यहाँ से मैं अकेला ही जाऊंगा, कोई मेरे पीछे मत आना, यहाँ से खतरा हो सकता है, जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि मैं एक शिनोबी हूं, इसलिए आगे जा रहा हूं, तुमको साथ में नहीं जा सकता, क्योंकि तुम एकेडमी के स्टूडेंट्स हो। स्टार्टिंग से मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मिस काई को प्रोटेक्ट करना मेरा एक मिशन था, इसलिए मिशन कंप्लीट करने तक मैं यहाँ पर रहूंगा। अरे हिमावरी, तो फिर से आके तुझे कहा था यहाँ पर मत आना, भाग जा यहाँ से। बेटा हुक्का की लड़की, अगर मैंने से झूठ बोल दिया कि तू भी एक किडनैपर है तो तुझे जेल में डाल देंगे। कवाकी कहता कि ठीक है यार चलो मेरे साथ, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हाना सेंसे यहाँ पर नजर रख रही होती, क्योंकि एक केव में काई को रखा होता है,
और वहाँ पर कोई आ ना पाए इसलिए वो बाहर खड़ी होती है। और यहाँ पर खड़ी इसलिए होती है ताकि उसकी शिप आने वाली होती है उसके लोगों के साथ, वो अब तक आई नहीं होती इसलिए उसे यहाँ पर टाइम पास करना पड़ रहा होता है। मिस्के कहती है कि अगर हाना सिंह की शिप अगर वो लोग मुझे लैंड ऑफ बाम्बू ले गए तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, इससे पहले वो शिप आए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा कुछ भी करके। वो कैसे वैसे करके अपने हाथ छोड़ा देती है और केयू के बाहर आ जाती है और सोचती है कि ऐसे भाग जाऊंगी, बट भागते भागते हाना सिंह उसके हाथ पर कुनाई मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। अगर मिस्के आसपास देखकर भागती तो शायद वो बच सकती थी, बट उसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया और हाना सिंह ने आकर उस पर वार कर दिया। हाना सिंह कहती है कि तुम भागना चाहती थी पर तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी आंखें चील से भी तेज है, मुझे लगा तुम बहुत पावरफुल हो बट तुम तो एक बार में नीचे गिर गई, मुझे गुस्सा मत दिलाना नहीं तो मैं लैंड ऑफ बम्बू जाने से पहले ही तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, फिर बताना नहीं बाद में। और यही टाइम होता है जब हीरो एंट्री मारता है तभी कवाकी आकर मिसाना के हाथ से कोने नीचे गिरा देता है, अंदर आती है जोरदार की खाना सेंस के मुंह पे जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। # कवाकी इन द फॉर्म ब्रो। देन कवाकी के पास हिमावरी भी वापस आ जाती है और मिसकाई के पास जाकर बैठ जाती है और पूछती कहां पर लगा, तो वो कहती देखो मेरे पैर पर लगा है, थोड़ी सी चोट ज्यादा नहीं बट मेरे हाथ पर ज्यादा लगा है हिमावरी। हिमावरी कहती कुछ नहीं होगा मिसके, बजरंग लेप लगाने से ठीक हो जाएगा। खाना सेंस कहती की सरप्राइज हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया इस जंगल में, शायद तुम किसी मोटो के दोस्त हो इसलिए तुम्हें एपिसोड के बारे में पहले से ही पता था कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। हाँ भाई ये वो मेरा। कवाकी कहता कि मैंने अकेले नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम्हें पता है कि अकेला कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे पास टीम हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो और मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स की टीम ने मेरी हेल्प की जिसकी वजह से हम तुम्हें ढूंढ पाए, हमारा टीम वर्क और आखिर में हमारी स्ट्रेंथ ही काम आई, तुम जैसे अकेली बंदी से कुछ नहीं होगा, हार मान लो हाना ने तो तुझे इतना हानूंगा कि तू रो बैठेगी। बट गाइस उसके हार मानने से पहले एपिसोड खत्म हो जाता है। मैंने कहा था किसी मोटो से कि सस्पेंस थोड़ा सा कम रखना बट उसको सस्पेंस बहुत पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी अगले एपिसोड में आप देख ही पाओगे इसलिए अगले एपिसोड तक चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। मिलेंगे इसी की तरह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।